हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जी हाँ, तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि जॉब से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी से रिलेटेड, जो कि है JEE मेन 2023 की वैकेंसी निकली है जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और फीस के बारे में, अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, किस मोड से कर सकते हो, कहाँ जाना पड़ेगा, ये सब डिटेल आपको दिखाई बताएंगे वन बाय वन करके। जी तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक वैकेंसी है JEE मेन की 2023-24 सेशन की, जिसके रजिस्ट्रेशन अप्रैल सेशन के लिए स्टार्ट है और जो अप्लाई आप कर सकते हो वो 7 मार्च तक है। जी हाँ, तो थोड़ा आपको बता दें, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है 2023-24 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया आज से स्टार्ट है। आज 7 फेब से स्टार्ट होगी और ये 7 मार्च तक चलेगी। जी हाँ, और परीक्षा के लिए अगर कोई भी पर्सन है तो उसके लिए एग्ज़ाम सिटी स्लिप मार्च के थर्ड वीक में, यानी कि मार्च के मिड में जो है, और एडमिट कार्ड लास्ट वीक ऑफ मार्च में इशू किए जाएंगे। जो एग्ज़ाम स्लिप है वो आपको थर्ड वीक ऑफ मार्च यानी कि मार्च के तीसरे हफ्ते में आपको वो इशू होंगे, और एडमिट कार्ड जो इशू होगा वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में इशू होगा। और परीक्षा का आयोजन, परीक्षा कब होगी, परीक्षा जो होगी वो 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक की होगी और ये दोनों सेशन में होंगी, इसके 2 सेशन रहेंगे। और उन दोनों में जो जिस स्कोर बेस्ट रहेगा जो भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसी को ही वो अंतिम स्कोर माना जाएगा और उसी के बेस पर ही उसका सिलेक्शन होगा और उसी के आधार पर ही काउंसलिंग प्रक्रिया में वो भाग ले पाएंगे। फीस क्या रहेगी, अगर कोई ऑनलाइन से फीस जमा होती है जनरल कैटेगरी के लिए 800 फीस है, और अगर कोई महिला है तो उसकी 800 पे है, अगर कोई अदर कैटेगरी से तो वो यानी कि कोई जनरल पर्सन है तो उसकी 1000 फीस है। अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, अप्लाई आप जो इसकी मेन साइट है gmain.nta.nic.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो भी है मान लो कुछ साउंड के कारण अगर समझ में नहीं आ पाए तो उसे आप रीड आउट कर सकते हो। अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो एनी पर्सन तो आप वहां पर जाकर जो भी नोटिफिकेशन है उसे रीड आउट करके फिर आप एलिजिबिलिटी के बेस पर अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना था, अकॉर्डिंग टू एक वैकेंसी के बारे में बताना था, तो आज के लिए इतना था आपको बताया। आगे के लिए जो भी नोटिफिकेशन है आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आप इस तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी वो टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।